गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी विद्यार्थी जो आपका टॉपिक नरेशन चल रहा है, इस नरेशन में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करेंगे, उसी चीज का यहां पर क्या करना है, उल्लेख करना है। हम सीखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए हमने लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी स्टैंड अप, क्या हो गया, ही सेड टू मी स्टैंड अप, आपका एक सेंटेंस हो गया। अब देखिए आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पता है आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, क्या हो गया, क्योंकि कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसी को क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या क्या रूल लिखना है इसको समझ लीजिएगा। आपका रूल फर्स्ट बनता है, और रूल फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जिसे हम आर भी लिखते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए आपका सेड टू आता है, इसको हमको चेंज किसमें करना है, सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड में, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर शो कर रहा है तो। अगर ऑर्डर्ड नहीं है हम किसमें चेंज कर सकते हैं इसको, रिक्वेस्टेड अथवा हम बेग्ड में भी परिवर्तित कर सकते हैं इसको, बेग्ड का मतलब भी क्या होता है, निवेदन करना होता है, एम्पॉलर्ड कर सकते हैं, ऑर्डर के स्थान पर हम क्या सकते हैं, कमांडेड भी लगा सकते हैं, क्लियर हो गया। अथवा तीसरी चीज क्या है, हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर कमांडेड, रिक्वेस्टेड वेग, एडवाइज्ड या सजेस्टेड में क्या की जाती है, परिवर्तित कर दी जाती है। पहला आपका क्या है, रूल फर्स्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या परिवर्तन करते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद हम रूल सेकंड के अंतर्गत जाते हैं, तो रूल सेकंड में हमारा क्या है, बात आती है कनेक्टिंग की, कि कौन सी कनेक्टिंग हम प्रयोग करते हैं। कनेक्टिंग देखिए, दैट का प्रयोग किसके लिए होता था, ऑफ असर्टिव के लिए, इफ या वेदर का प्रयोग किसके लिए होता था, इंट्रोगेटिव के लिए। अब ना तो इफ दैट का प्रयोग होगा ना ही इफ या वेदर का प्रयोग होगा, बल्कि अगर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है तो इसको हम टू लगा करके जोड़ते हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं टू लगा करके हम जो हमारी इंपरेटिव वर्ब है उसको इंफिनिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर कनेक्टिंग के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। ये आपका कौन सा रूल हो गया, रूल टू। चलिए रूल टू के बाद आता है कि हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाए और किसका प्रयोग किया, टू का, इतना आपको पता है। अब देखिए यहां पर हमने कहा सेट टू को हम लगाते हैं, सेट टू के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑर्डर टू मी नहीं होगा बल्कि ऑर्डर्ड मी होगा, इसको ध्यान रखना। रूल थर्ड में अगर हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, केवल इतना जान लीजिए रूल थर्ड में कि अगर कहीं पर पोलाइटिंग वर्ड जैसे प्लीज या काइंडली, ठीक है, अगर ये सारे शब्द लगे हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब कि कहीं पर अगर निवेदन सूचक शब्द लगाया गया है तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये आपका रूल थर्ड हो गया। इसके बाद आता है रूल फोर्थ। रूल फोर में हम क्या करते हैं, टेंस एंड प्रोनाउन, टेंस एंड प्रोनाउन। देखिए टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इसको टू लगा देते हैं इंफिनिटिव बन जाता है, लेकिन प्रोनाउन को हम क्या करते हैं, चेंज एज अ प्रीवियस रूल, एज अ प्रीवियस रूल, जैसे कि पहले का नियम है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। अब आपका पता हो गया, इसमें केवल हमने कितना रूल बताया,
चार रूल बताया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें है, इम्परेटिव में है, फिर से ध्यान रखिए, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा इम्परेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ठीक है, एडवाइज या सजेस्टेड में बदल लेते हैं। कमांड वर्ड का हटा करके हम टू का प्रयोग करते हैं, प्लीज और काइंडली को हम हटा देते हैं, टेंस चेंज नहीं होता, प्रोनाउन को हम प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग टू चेंज करते हैं। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस लिखा गया है, अब इसमें हमने लिखा ही ऑर्डर्ड हो गया, मी हो गया, दैट लगाया गया, ही ऑर्डर्ड मी दैट, अब दैट लगा दिया गलत हो गया क्योंकि यहां दैट कनेक्टिंग लगेगा नहीं, आपको बताया गया क्योंकि ये हमारा क्या है, इंपरेटिव में है, हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का, टू स्टैंड अप, आप समझ गए, ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप। यहीं पर दूसरा होता, ही सेड टू मी, क्या होता, प्लीज, इसके बाद क्या होता, स्टैंड अप। अब क्या करते हैं आप, यहां पर ये लिखते हैं, अब प्लीज लगाया गया, रिक्वेस्टेड लिख दिया जाता था, ये रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज को हटा देंगे, यहां पर क्या हो गया, स्टैंड अप, क्या हो गया, ये रिक्वेस्टेड मी टू स्टैंड अप, समझ में आया। ऐसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल आपको हमने लिखा, टीचर सेड, क्या हो गया, ओबे योर एल्डर्स, लिख दिया गया, टीचर सेड ओबे योर एल्डर्स। अब हमको क्या करना है, टीचर है तो सजेस्ट करेगा, टीचर एडवाइस लगा सकते हैं, क्या लगा दिया गया, एडवाइस। अब क्या हो गया, टू ओबे योर, योर लगाया गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब आपको अंडरस्टूड है, पता है टीचर किससे कहेगा, स्टूडेंट से कहेगा, तो यहां पर क्या हो गया, योर के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया, डियर एल्डर्स, टीचर एडवाइस टू ओबे डियर एल्डर्स, मतलब अपने बड़े का सम्मान करने के लिए ऐसा कर दिया गया। क्लियर हो गया? यहां पर अगर अस होता तो किसका प्रयोग करते, आवर एल्डर्स। ठीक, थैंक यू फॉर दिस क्लास। आप लोग अपनी बुक से इंपरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज खोलिएगा और उसको बनाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।